हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। और स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी कि सुपीरियर बाइट में। तो आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ टेक्नो गेमर के नए पीसी का रिव्यू, जो कि आपने उनकी वीडियो में देख लिया होगा कि उन्होंने एक थीम बेस्ड माइनक्राफ्ट बेस्ड पीसी बनाया है और उसने पूरी तरह चेंज कर दिया अपने पुराने पीसी से। तो मैं उसे कुछ सलाह दे सकता हूँ और बता सकता हूँ उसने क्या क्या गलतियाँ करी हैं और बता सकते हैं क्या क्या उसने अच्छा काम करा है इस वीडियो में। तो अगर आप टेक्नो गेमर के फैन हैं तो बने रहें वीडियो में एंड तक। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको करनी है, बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पीसी की बात करें तो आपको फोटो दिख रही है, मैं किनारे पे आ चुका हूँ। तो पीसी आप देख सकते हैं माइनक्राफ्ट बेस्ड पीसी है, जो कि नॉट सो बैड नॉट सो गुड कहूँगा मैं, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ माइनर डिफॉल्ट्स हो गए हैं क्योंकि इसके डिज़ाइन की वजह से जो इन्होंने हैवोक नेशन ने जो बनाए, यार मैं भी पर्सनली देखता हूँ लेकिन ये मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे क्यों, लेकिन अभी हम पीसी की स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आपको स्पेक्स दिख रही होंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से ये इंटेल और ओरस के स्पॉन्सरशिप के साथ बनाया गया ये पीसी। वाटर कूलिंग में नो डाउट कोई ऐसा इशू नहीं होगा, लेकिन ग्राफिक कार्ड के साथ और एयर फ्लो में यहाँ पे एक छोटा सा इशू आएगा, वो मैं आगे में बता रहा हूँ आपको क्यों। लेकिन गाइस इश्यूज बताने से पहले मैं आपको इस पीसी की स्पेक्स बता देता हूँ। यहाँ पे यूज हुआ है इंटेल का प्रोसेसर कोर i9 दोबारा, जैसे पिछली बार कोर i9 9th जेन था, इस बार आगे 11th जेन यहाँ पे यूज किया गया 11900K, जो कि टेक्नो गेमर ने कहा गेमिंग है, गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन है नहीं भाई। मैं इसे गेमिंग प्रोसेसर तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि एक तो ये 8 कोर और 16 थ्रेड का प्रोसेसर है, जिसमें आप जानते हैं कि गेमिंग के लिए कोर्स ज़्यादा यूज होते हैं, थ्रेड होता है जो आपको एडिटिंग रिलेटेड वर्क करना होता है वहाँ यूज आते हैं आपके थ्रेड्स प्रोसेसर के। यहाँ पे जो ये प्रोसेसर है 11th जेन का, वहाँ पे सिंगल कोर जो वर्किंग है प्रोसेसर की वो तो एनहांस हुई है, लेकिन मल्टी कोर वर्किंग डिक्रीज हुई है। और क्योंकि यहाँ पे पहले तो पिछले प्रोसेसर में आप जानते हैं 10 कोर 20 थ्रेड थे, जो कि 10th जेन की बात करूँ मैं 10 कोर 20 थ्रेड थे, लेकिन यहाँ पे 8 कोर 16 थ्रेड बस, तो 4 कोर और 4 थ्रेड का लॉस है, जिस कारण यहाँ पे ये 10th जेन से थोड़ा सा कम चलेगा। FPS भले ही ज़्यादा देगा, सिंगल कोर गेमिंग ज़्यादा अच्छी होगी, हल्की सी एनहांस होगी गाइस, मैं इसे गेमिंग नहीं कहूँगा। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, बार बार इंटेल के ना साथ जाए ये टेक्नो गेमर, और इसे कोई बताओ यार राइजन के 5000 सीरीज आ चुकी है, 5000 सीरीज का 5900X ये ले सकता था आराम से, 5950 तो फिर 1 लाख का बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन इन्हें राइजन के साथ जाना चाहिए और बस यही है कहना है, लेकिन मानने वाले तो है नहीं। स्पॉन्सरशिप के साथ बनाएंगे तो भैया यही होगा। तो कैबिनेट वगैरह आप जानते हैं एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो ये अपग्रेड माइनक्राफ्ट थीम लगवाई है इसके ऊपर, वो उसने एयर फ्लो ख़राब कर दिया इसका, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ यार आगे की वीडियो में, इतनी क्या जल्दी है। तो कैबिनेट होगी, मदरबोर्ड और यहाँ पावर सप्लाई, जो कि एक मेन हर चीज़ मेन होती है पीसी में वैसे तो, लेकिन पावर सप्लाई भी एक मेन रोल निभाती है। तो यहाँ पे यूज हुई है, कौन सी यूज हुई है भाई, आपको यहाँ स्पेक्स दिख रहे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं, पावर सप्लाई ओरस की AP850 वोल्ट की पावर सप्लाई, गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, फुली मॉड्यूलर। तो भाई मैं अभी सामने वही फोटो देख रहा हूँ जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो मैं वहीं से बता रहा हूँ। खैर आप स्पेक देख चुके हैं, पढ़ भी चुके होंगे, तो आगे की वीडियो में बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या खराबियाँ हैं। तो पहली खराबी की बात करें तो यहाँ फोटो जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीसी सामने माइनक्राफ्ट लगने से पहले वाला जो था, नीचे 3 फैन लगे हुए हैं और ऊपर 3080 ग्राफिक कार्ड लगा है, और 3080 आप जानते हैं काफ़ी हैवी ग्राफिक कार्ड होता है, और उसको फिर हीट बहुत हो जाएगी, फिर हीट की प्रॉब्लम आने लग जाएगी, वो गर्म हो जाएगा ग्राफिक कार्ड जो इन्होंने ऊपर से कवर करा है उस कारण, क्योंकि जो उसका एयर फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3080 का मैं एयर फ्लो आपको कैसे समझाऊँ, वेट अ मिनट, यस आई हैव दिस, वेट कंसीडर दिस एज 3080 एक्सट्रीम ग्राफिक कार्ड। तो मानिए ये नीचे की साइड उसके 3 फैन हैं, तो एक नीचे से इंटेक होगा एयर का, ये एक सामने से होगा इंटेक, और ये जो ये वाली साइड होगी यहाँ से होता है आउटटेक, जो कि फिर पीछे के फैन के थ्रू बाहर निकल जाती है हवा। लेकिन यहाँ इशू ये आ रहा है कि जब आपने सामने से कवर कर दिया तो नीचे से जो हल्का फुल्का इंटेक आ रहा है ना बेस के पास से, जो 3 फैन लगे हैं, तो वहीं से जो इंटेक आ रहा है वही
इनटेक, फिर वो जीपीयू लेगा, इनका ग्राफिक कार्ड लेगा 3080, लेकिन आउटटेक के मामले में फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि वो फुली कवर करा हुआ ऊपर से, और जो आपके कैबिनेट के सामने वाले दो बड़े फैन हैं वो भी इनटेक ही ले रहे हैं, तो यहाँ हल्की सी हीटिंग इशू आएगा उन्हें। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर वो ऊपर से वो हटा सकें जिससे आउटटेक बेहतर हो सके, या फिर ऊपर से हल्का सा हटा दें जिससे हवा वो निकल पाए, तो दैट मस्ट बी बेटर। और आप ऊपर देख सकते हैं कई सारी चीज़ें लगाई हुई है उन्होंने, माइनक्राफ्ट थीम से रिलेटेड डोम भी लगाया हुआ है, प्लेयर लगाया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप फोटो देख पा रहे हैं। और कैबिनेट के ऊपर उन्होंने वो क्या कहते हैं उसे, एंडर ड्रैगन भी लगाया हुआ है। भाई मैं माइनक्राफ्ट प्लेयर नहीं हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। तो ये सब है, और पीछे से आपको अगर मैं फ़ोटो दिखाऊँ आपको दिख रही है, तो पीछे से ये एक माइनिंग का दिखाया, और ये इसमें कोई टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया, जो कि एक अच्छी चीज़ होगी ताकि ये टेम्परेचर कंट्रोल में रहे सीपीयू का, मदरबोर्ड का, और ये लिक्विड कूलिंग से भी काम बन जाएगा। तो ये अच्छा करा। और यहाँ पे टेक्नो गेमर ने कहा था अपनी वीडियो में कि वो सामने टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाएं क्योंकि उन्हें वैसे ही अच्छा लग रहा है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि वो ना लगाएं, क्योंकि अगर लगा लिया तो हीटिंग का इशू बढ़ जाएगा, और कैबिनेट एक सीपीयू तो आपका बच जाएगा, जीपीयू को हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपने वो कवर कर लिया। तो ये दो मेन इशू हैं, आगे की वीडियो में बताता हूँ इसके क्या क्या हो सकता है। हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, वो है इनकी स्टोरेज और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी। 3080 ग्राफिक कार्ड एक्सट्रीम लेवल का, तो वो तो ऑफकोर्स अच्छी गेमिंग हो जाएगी आराम से, वो 2K 4K भी आराम से हो जाएगा उसमें, ऐसी कोई इशू नहीं आने वाली। और इन्होंने जो कंप्यूटर की अच्छी तरह परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने Gen 4 NVMe लगाई है, और इसकी तरफ से 1TB Gen 4 NVMe यहाँ दोबारा देख पा रहे हैं। और इन्होंने हार्ड डिस्क का प्रयोग नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है, उसकी जगह भी एक SSD लगाई है इन्होंने, 1TB की SSD जो कि 2.5 GHz की है, और वो हार्ड डिस्क से बेटर काम करेगी एज यू ऑल नो, तो ये भी उनका फायदेमंद रहेगा। और मदरबोर्ड की बात करें तो वो है आपका Z590 Aorus Master, जो कि Aorus और Intel की तरफ से बेस है ये PC, तो Aorus के ही सारे प्रोडक्ट यूज हुए हैं और Intel के प्रोसेसर वगैरह यूज हुए हैं, इसलिए Aorus है। लेकिन अगर ये Ryzen के साथ जाते तो मैं इन्हें सजेस्ट करता कि X570 मदरबोर्ड ले जाते, ये तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। X570 Aorus Master वो भी काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, उसमें RGB इफेक्ट भी है, वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अब जब ये Intel के साथ जा चुके हैं तो हम क्या बोले, इन्हें मैं सजेस्ट करूंगा, अभी वीडियो के लिए बना दिया है, बाद में अगर ये अपग्रेड कर सकते हैं प्लीज़ Ryzen की तरफ जाना अगली बार, या फिर इसी को Ryzen की जगह लेना, ठीक है, Ryzen प्रोसेसर लेना Intel को हटा के, क्योंकि Intel के 11th जेन में ये इतने अच्छे नहीं हैं मल्टी कोर प्रोसेसिंग, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, मैं दोबारा बताऊँ। तो गाइस यही था आज का रिव्यू, और वीडियो कैसी लगी जरूर बता देना। यही था टेक्नो गेमर का PC, आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। ये इंटेल और इसके थीम पे था, तो ये इससे बेहतर कर नहीं सकते थे, और इंटेल की 11th जेन दिखानी थी इसलिए इन्होंने ये प्रोसेसर लिया है। लेकिन अगर Ryzen के साथ जाते, मैं बार बार कह रहा हूँ यार, Ryzen बेटर है इससे, FPS के पीछे इन्होंने मेरे ख्याल से इंटेल का ले लिया स्पॉन्सरशिप, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो यही है टेक्नो गेमर का PC, यही था आज का रिव्यू। वीडियो कैसी लगी आप बता दीजिए, आपके कमेंट सेक्शन खुला है वहाँ बता सकते हैं कैसी लगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, जो टेक्नो गेमर का फैन है वो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को भी यार, और वीडियो को शेयर कर दो। यही है कई कुछ चीज़ें जो आपको करनी है, कर दो यार प्लीज़, बहुत कम सब्सक्राइबर है, जल्दी से हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।